आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, भगवान बुद्ध के सदैव संदेश प्रेरित करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो लॉन्च, सीएम योगी ने किया लोगो लॉन्च, बोले खेलो इंडिया धारणा को बदलने का प्रतीक है। भाजपा के विपक्षी दलों पर सेंधमारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता, बीएसपी नेता गोविंद भाटी बीजेपी में हुए शामिल। एनसीपी की मीटिंग में फैसला, शरद पवार ही अध्यक्ष रहेंगे, 16 सदस्यीय कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है। औरैया में स्कूटी सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दंपत्ति को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का लोगो, जर्सी और गीत का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स देश में बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 950 खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी मिल गई है। यूपी के सभी जिलों में एक एक सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया धारणा को बदलने का प्रतीक है। पहले अच्छे खिलाड़ियों की धारणा नहीं थी, आज भारत में खेलों में आगे बढ़ रहा है। अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3,00,000 रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में हैं उनको 5,00,000 रुपया रहने सहने का खर्च करती है ट्रेनिंग का और 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज़्यादा कोचिज की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी का तूफान प्रचार जारी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा करेंगे, साथ ही आज दोपहर 12:55 पर बरेली के सिविल लाइन में जनसभा करेंगे। इसके अलावा दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर के गांधी हॉल सभागार में जनसभा को संबोधित करेंगे।
आज वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि है और इस तिथि को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। सीएम योगी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने कहा, भगवान बुद्ध के संदेश सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2017 के पहले शहीदों का आतंक होता था, अराजक तत्वों का तांडव होता था, व्यापारियों से वसूली की जा रही थी। 2017 से पहले जो लोग शासन कर रहे थे उन्होंने युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया लेकिन उनके हाथों में तमंचे जरूर पकड़वा दिए थे। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली हैं। अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, उनके हाथ में टैबलेट है। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का काम कर रही है। जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य सब ऑनलाइन हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके, इसके लिए अच्छा बोर्ड नगर निकाय का बने, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है। पूरी मेजोरिटी का बोर्ड होगा तभी विकास के प्रस्तावों को आसानी से पारित करने में मदद मिलेगी, अन्यथा आप देखते होंगे। बीजेपी का विपक्षी दलों में सेंधमारी जारी है, जहां बसपा के बड़ौस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंकित शर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की आगरा की पूर्व जिलाध्यक्ष कुसुम चाहर, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी, सपा लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनूप सिंह बारी, अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह, लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव सहित कई अन्य नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद समेत 4 जनपदों में दौरा कर रहे हैं। इन दौरों में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही निकाय चुनाव में अपनी पार्टी और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही गाजियाबाद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी को पुलिस ने घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसको लेकर सीमा त्यागी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सीमा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ उनके भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक महिला से उनको क्या खतरा हो सकता है जो हर बार मुख्यमंत्री के आगमन पर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। सीमा त्यागी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को खुद नहीं पता कि उत्तर प्रदेश या गाजियाबाद में शिक्षा की क्या हालात है। राइट टू एजुकेशन में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। सरकार समय समय पर स्कूल को आदेश देती है लेकिन उन पर भी अमल नहीं हो रहा है। गाजियाबाद में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, जो नगर निगम चुनावों में कन्वेंसिंग करने के लिए शायद यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में आते हैं मुझे मेरे ही घर में हाउस अरेस्ट गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन कर लेता है, और जिसका कोई लिखित आदेश या कोई ऑर्डर मुझे कहीं से नहीं दिखाई देता, जबकि मैं कभी उनकी सभा में कुछ कहने नहीं जा रही हूँ। क्या शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना देशद्रोह है? मैं अगर बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ, तो क्या मेरा वो देशद्रोह के अंदर आता है, आतंकवाद के अंदर आता है? और मुझ महिला से मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में क्या चूक हो सकती है मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि उनके गाजियाबाद आने पर मुझे कितना परेशान यहाँ का पुलिस प्रशासन करता है कि सुबह 5 बजे से मेरा घर चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और मैं अपने किसी भी काम को करने घर से बाहर निकलूँ तो मुझे नहीं निकलने दिया जाता। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव के दौरान सांसद मेनका गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से वोट करने की अपील की, साथ ही जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर नगर को सुंदर बनाने का कार्य करना है, सभी लोगों को सारी सुख सुविधाएं पहुंचाना है जिससे कि यहाँ रह रहे लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ की चाबी मेरे हाथ में दे दें जिससे यहाँ का काम हम करा सके।
वहीं इसके बाद इन्होंने अपने पहले दिन के प्रचार का जिक्र करते हुए बताया, मैं पहले दिन शहर के वार्ड में प्रचार करने गई थी और जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वापस जा रही थी तो चिकनी मिट्टी होने के कारण फिसल कर गिर गई और अगले दिन मैंने DRM को फोन कर बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए का बिल भेज रही हूँ क्योंकि मेरी कमर टूट गई है, या तो मेरी कमर का हिसाब दे या वहाँ की सड़क बनवाए। चेयरमैन ने कोई आसमान छूना है या कोई महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री बनना हम चेयरमैन, लेकिन हम चेयरमैन को समझते हैं बहुत बड़ी चीज ये वो चाबी है और यही मैं बोलूँगी, मुझे और बोलना ही नहीं है ये कि आप लोग अपने नगर के लिए वोट दे रहे हो, दोस्तपुर को हम लोग सुंदर बना रहे थे, मैं वहाँ गई थी भाषण देने के बाद मैं निकल रही थी तो इतनी मिट्टी थी कि मैं गिर गई। अगले दिन मैंने DRM को फोन किया और कहा कि भैया मैं तुमको 1 करोड़ रुपए का बिल भेज रही हूँ मेरी टूटी हुई कमर के लिए, या तो मुझे अपनी कमर का हिसाब दो या तो तुम वो सड़क बनाओ मेरे लिए 1 महीने में, उसने कहा माता जी हम आपके लिए सड़क ही बनवा देंगे। सहारनपुर में नगर निगम के 17 वार्डों के अनेकों प्रत्याशी से लेकर मेयर पद के दिग्गज दावेदारों के बीच मतदान हुआ। बता दें कि सहारनपुर के पहले चरण में नगर निकाय चुनाव के मतदान केंद्रों पर रही दो पार्टी के दिग्गज प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर हुई। बसपा के मेयर प्रत्याशी खदीजा मसूद से लेकर भाजपा के डॉक्टर अजय के हित में महानगर की जनता वोट करते नजर आई। वहीं खास बातचीत में मतदाताओं ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार के मेयर का कार्यकाल में क्षेत्र की समस्याओं से लेकर सीवर लाइन जैसी समस्याओं पर तत्काल रूप से निस्तारण नगर निगम में हुआ है। वहीं बसपा के मेयर प्रत्याशी खदीजा मसूद की तरफ मुस्लिम दलित समीकरण का अभाव भी देखने को मिला। जिले की 12 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त टक्कर दिख रही है। बाराबंकी में एक हिस्ट्री शीटर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गड्ढे में पड़ा मिला। बता दें कि थाना क्षेत्र के हिमाचल पुरवा मजरे की ठैया निवासी के घर से दुर्गापुर पुलिस स्थित डेयरी पर दूध देने गया था। घर न लौटने पर परिजनों ने उसका पता लगाना शुरू किया, तभी एक गड्ढे में उसकी लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है, उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औरैया में स्कूटी से घर वापस जा रहे दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को पुलिस की मदद से एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है और रय करमपुर के पास नेशनल हाईवे की घटना है। औरैया के करमपुर हाईवे पर जो है एक व्यक्ति नवनीत और उनकी वाइफ अंजलि गुप्ता जो स्कूटी में सवार थे, जो अजीत मल के रहने वाले हैं, रिश्तेदार के यहाँ औरैया आए हुए थे, वापस अजीत मल जा रहे थे, जो करमपुर हाईवे पर जो है किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लग जाने से गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची थी। उनको जो है जिला अस्पताल औरैया लाया गया था, जिसमें डॉक्टरों द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया गया है। शवों के पंचनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवरिया भर कर जा रही एक रोडवेज बस अचानक स्टीयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से कई सवारियां घायल हो गईं। बता दें कि कानपुर से प्रतापगढ़ जा रही बस मुराई बाग के आगे गदागंज थाने के बॉर्डर पर अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। उस वक्त बस में लगभग 35 सवारियां सवार थी। बस पलटने से उस पर सवार लगभग आधा दर्जन सवारी मामूली रूप से चोटिल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।